पिछले दिनों भिलाई में दिव्यांग फैशन शो कराने वाली श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका व अध्यक्षा नीतू श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता के माध्यम से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था और एक बार फिर नीतू सुर्खियों में हैं। दरअसल नीतू श्रीवास्तव ने इस बार फौजी का सम्मान समारोह का आयोजन कराया और प्रदेश भर के लगभग 45 फौजी भाइयों का सम्मान भी किया। दुर्ग में आयोजित फौजी सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पवन बड़जात्या, अपर्णा खापड़े, अशोक राठी, अजय सहाय, पायल जैन सहित शहर के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। मंच के माध्यम से उन सभी फौजी भाइयों का सम्मान किया गया जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी। साथ ही मीडिया कर्मियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में रूपा साहू ने मंच का संचालन बड़े ही खूबसूरती से किया और एक बार फिर श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका व अध्यक्षा नीतू श्रीवास्तव ने लोगों की वाहवाहियां बटोरी। असल में देखा जाए तो हम सब जो है इस प्रदेश के अंदर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अखिल भारतीय पुरुष शरीर सेवा परिषद के द्वारा जुड़े हुए हैं और उसके प्रदेश स्तर पर हम इसका काम देख रहे हैं, जिसमें से अपने भुवनलाल देशमुख साहब अपने इसका संगठन का काम देख रहे थे, मैं स्वयं इसका महासचिव यहाँ प्रदेश में इस संगठन को खड़ा करने में हम लोगों ने सब बहुत योगदान रहा। आज हमारी यहाँ करीब करीब सभी जिलों में, जिसका कि आपको सबके सामने प्रमाण मिल गया है, इस तरह से सारे जिले के लोग पहुँचे हुए थे तो हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। अब विशेषता पिछले 30 तारीख को कार्यक्रम होना था और मैडम का मेरे से परिचय भी हुआ था, कांटेक्ट भी हुआ था, लेकिन कार्यक्रम अब चूंकि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ तो कार्यक्रम में सॉरी मैं बहुत इसको कट कर देंगे आप, तो मैं किसी और कारणवश से मैं कहीं और इंगेज था, तो मैंने मैडम को बोला था कि दीदी को कि भुवन साहब से उनसे जुड़े रहिए और वो सारी व्यवस्था कर देंगे। तो आज उस व्यवस्था के जो है द्वारा जो हम जो आज इस रूप में आज हम हमारा संगठन ही है काम कर रहा है, उसका कारण यही है कि आज ये सारे जिले के लोग आए हुए हैं। आगे भी ऐसा कोई ज़रूरत पड़ा तो हम हर क्षेत्र में काम करने को, क्योंकि हम चाहते ही हमारा हम ऐसा अपने को मानते हैं कि हम समाज में किस तरह से अपने अनुभवों को शेयर करके हम भले के लिए काम कर सकें। आज भूमिका रही वो बहुत ही अनोखी रही, क्योंकि श्रुति फाउंडेशन के द्वारा जो मैसेज गया कि पूर्व सैनिकों को सम्मान किया जाए, इससे बहुत बड़ा संदेश गया है और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस कार्य को प्रशंसा करता है, सराहना करता है नीतू जी का, जो हमको बुलाकर फौजियों के बीच में एक व्यापारियों के बीच में हम व्यापारियों के नाते हम आए हमारा रहा, मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। कि अक्सर क्या होता है, ऐसे बहुत से सम्मान होते हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनका सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कहीं कई जगह ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं उनको भी हमको आगे उठाना है। कई हमारे फौजी भाई हैं, जैसे शहीद सम्मान समारोह तो हर पूरा देश करता है, लेकिन 15 साल 20 साल जो भारत माता की सेवा करके अपने वतन को अपने परिवार में वापस लौटते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जीवन और मृत्यु के बीच में अपनी ज़िंदगी निकाल के आते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी संस्था कुछ ऐसे काम करे जिससे हमें कभी फौजियों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो, कभी दिव्यांगों के लिए। इस तरह हमने एक नई पहल की है और अब श्रुति फाउंडेशन अक्सर ऐसा काम करना चालू कर दिया है जो हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो मेरे आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह के कार्यक्रम करते रहूँ और लोगों को प्रोत्साहित करूँ कि आप हमारे कार्यक्रम देखें और आप भी अपने अपनी जगह पर इस तरह के कार्यक्रम करें और हर किसी को आगे आने का मौका दें, क्योंकि सम्मान के लायक हर कोई है। फाउंडेशन द्वारा आज पूर्व सैनिक सम्मान आयोजन यहाँ किया गया, इससे यह संदेश जाता है कि हमारे देश के लिए जो जवान इतने मेहनत से, कड़ी मेहनत से बॉर्डर पे चाहे जहाँ पर ड्यूटी हो आधी रात को भी जाना पड़ता है, आगे जो सैनिक बनते हैं उनको भी कम से कम ये लगे कि भाई हम भी जब काम करके जाएं, कुछ देश के लिए करके जाएं, तो हमको भी ऐसा सम्मान मिले बाद में। सैनिक रहते तो सबको सम्मान मिलता है, लेकिन सैनिक से ड्यूटी लेके बाद में जो है सम्मान मिलता है वो एक अद्भुत रहता है, उनके परिवार के लिए, उनके आने वाले बच्चों के लिए भी एक ऐसा लगता है कि हम भी सैनिक बने और हम भी देश के लिए कुछ काम करें। और ऐसे आयोजन जो है सार्वजनिक संस्थाएं करेगी, सामाजिक संस्थाएं करेगी, जो उनको अलग ही एक आनंद आज देखने को मिला। मैं 4 घंटे तक यहां पर रहा तो मैं अनुभव किया फौजी भाइयों के साथ रह के कितना आनंद आता है, और ये मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत ही अकल्पनीय है कि ऐसा सहयोग इतने सारे और छत्तीसगढ़ के भाई लोग जो है जो आए थे यहाँ प्रदेश स्तरीय जो सैनिक सम्मान हुआ उनके साथ मिलकर जो बैठने का आनंद आया वो अद्भुत मेरे जीवन के लिए रहेगा।